हम पूरी का आटा और पूरी कैसे बनाई जाती है इसकी एक टेक्निक और विधि बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए आटा, पानी, नमक, अजवाइन और दूध, और थोड़ा सा हमें देसी घी और कुछ लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं इसकी जगह। जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिश्रण जो आएगा वो ऐसा आएगा। आप इसको देखेंगे तो इसको हमें ज़्यादातर मिक्स करने के लिए हमें पानी चाहिए था और थोड़ा सा हमने दूध डाला, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा अजवाइन डाला हमने। अगर हम इस सारे को मिक्स करेंगे तो, और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास डो आएगा, डो वो ऐसा दिखने में होगा। इट हैज़ टू बी लिटिल बिट हार्ड, ये हार्ड दिखना चाहिए आपको। और जो है जब ये जब आप इसको बना देंगे, बनाने के बाद हमें इसके छोटे बॉल्स जो कि आप पेड़े भी बोलते हैं हिंदी में, वो पेड़े बनाने के बाद हम इसको बेलेंगे, और बेलने के बाद आपको दिखेगा तो ऐसा होगा वो जब बेला जाएगा। इसके बीच में आप अजवाइन भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा होने के बाद हमारे पास ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसमें पूरी को बना सकें। उसको चेक करने के लिए हमें चाहिए छोटा सा पीस आटे का जो कि हमने अभी बनाया था। जब ये फ्राई हो रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो इसका मतलब आपने ऑयल को चेक कर लिया, और चेक करने के बाद अब आप इसमें पूरी डाल सकते हैं। जब आपने पूरी डाली आप देख सकते हैं कि पूरी किस तरह से, ऑयल का हॉट होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल को आप ऑयल की टेम्परेचर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इसमें। देखिए हमारी पूरी तैयार है, और कमेंट बॉक्स में जा करके अगर आपको कोई क्वेश्चन है, हो सकता है अगर आपको कोई रेसिपी, अगर आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो हम आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर वॉचिंग।